ठीक है अरे ये बतावा लक्की भैया बिक्की भैया तूने शोले देखला कितना बार तू देखला शोले शोले तो बहुत अच्छी फिल्म थी मैंने तो गब्बर सिंह का फैन माना है और जय भीरू को भी अपना फैन माना है हम 10 मिनट में बात करते हैं ठीक है अरे यार तूने शोले फिल्म कितनी बार देखा मगरू 200 बार क्यों क्या कमाल था शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग अच्छा और क्या था और जय भीरू का कमाल अरे वाह जय भीरू का कमाल और क्या हेरा फेरी देखा क्या अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का कितने बार 200 बार देखा है अच्छा और फिर हेरा फेरी देखा क्या फिर देखा है तो क्या तुम भी हेरा फेरी करते हो करना पड़ेगा क्या अच्छा अरे यार तो देखिए ये जो है सकाल जक्शन की हसीन सपने में ये हमारे जो है मंगरू भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि फिल्म देखने का बहुत शौकीन है इन्होंने बहुत सी फिल्में देखा है और बार बार फिल्में देखते रहते हैं और मैंने इनको सकाल जक्शन हसीन सपने में डाला है ये बचपन से है कितनी फिल्मों में इन्होंने भी रोल किए हैं छोटे बड़े जो है बॉडी गार्ड का रोल किया अपने धर्म जी के साथ भी काम किया अक्षय कुमार के साथ भी काम किया यार तुम तो लगते ही हो इस टाइप के यार लेकिन यार तुम साउथ के विलेन लगते हो यार क्या साउथ फिल्मों में काम करते थे विलियन का ही रोल करते हैं अच्छा यार तो मैं भी तो साउथ की तरह लगता हूँ मिस्टर तो सकाल जैक्सन के हसीन सपने में देखते रहिए ये सकाल जैक्सन और मिस्टर विनय कुमार को तो विनय शोले फिर देखोगे क्या देखेंगे और हाथी मेरे साथी देखा था क्या राजेश खन्ना का अरे वाह हाथी मेरे साथी भी बहुत अच्छी फिल्म थी और क्या रोटी कपड़ा और मकान हाँ मनोज कुमार वाला ने वो देखा था अरे वाह धर्मेंद्र की फिल्म बहुत सी तुम देखते थे ना यार अरे यार ये मेरा बचपन काल तो कटिया यार है इसलिए भाई ये भाई मेरा मंगरू को जरा याद रखिएगा ये फिल्मों में काम करता है इसके पीछे पीछे साउथ की फिल्मों में भी आजकल काम कर रहा है चलो वो भी साउथ लेके चलोगे क्या क्या साउथ में अच्छा पैसा मिलता है ठीक है हम दोनों साउथ फिल्मों में जाएंगे और धमाल मचाएंगे तो ले चलोगे मोरी भाई उनको भी तो देखते रहिए सकाल जैक्सन में बोलो सबको राम राम।